आदरणीय रोहनी कोट बाराचरण के सभी कानूनी अधिवक्ताओं को शत-शत नमन। आज दिनांक 9/7/2021 को हम आपके सामने साझा कर रहे हैं बात कि आज एक बहुत ही रोहनी कोट बाराचरण जैसे अभी नया पैनल आया है और एक जो उम्मीद थी आज उन्होंने एक सवाल पत्र के माध्यम से उठाए हैं। रोहनी कोट परिसर के अंदर नायब कोर्ट की कार्यप्रणाली को लेके जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है प्रिंसिपल एंड आदरणीय ऑनरेबल प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ को दो लेटर लिखे हैं जिसमें उन्होंने ये बात उठाई है कि नायब कोर्ट के टेन्योर्स पर देखे, कई कई नायब कोर्ट 5-7 से 10 साल तक लिखे जिसके खिलाफ उन्होंने आपत्ति जताई है पत्र के माध्यम से कानूनी अधिवक्ताओं के विभाग पर। दूसरा उन्होंने ये बात बोली है कि कुछ जो नायब कोर्ट्स हैं वो कुछ इंटायरी में एप्लीकेशन वगैरह लिटिगेशन फाइल कर रहे हैं जो कि एक कानूनी अधिवक्ता का काम है और इससे प्रॉपर न्याय जस्टिस डिलीवर नहीं हो पाता और कई बार कस्टमर भी मिसगाइड हो जाते हैं, तो ये भी उन्होंने सवाल उठाया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात उठाई है इस पत्र के माध्यम से कि आईएएस के साथ कुछ इनका नेक्सेस है कुछ इस तरह के नायब कोर्ट्स का, उनसे भी जस्टिस के छवि और जुडिशरी की छवि इमेज आम जनता के बीच में खराब हो रही है। ऐसे और भी कई इशू इन्होंने इसमें उठाए हैं जिससे बात साफ देखें अगर तो बात लगती है कि साफ साफ इंडिकेशन एक हिडन एजेंडा और भ्रष्टाचार की बातें ऐसा कहीं ना कहीं इंडिकेटर एक संदेह लिख रहा है। तो जो ये पत्र इन्होंने उठाया है इससे कानूनी अधिवक्ताओं में बड़ा एक लहर है, खुशी की लहर है क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जस्टिस डिलीवर हो, यही हर एक कानूनी अधिवक्ता का मुख्य एक एम होता है लाइफ का और ऑनरेबल कोर्ट्स का भी यही एक उद्देश्य होता है सभी कोर्ट स्टाफ का पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का। तो आज जनता के हित में जो बात इन्होंने उठाई है इसके लिए हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं रोहनी कोट बार एसोसिएशन के नए पैनल का, खास तौर से प्रेसिडेंट आदरणीय इंदर सिंह सरोवा साहब का और समस्त उनके अंदर जितने और भी एडवोकेट्स हैं सेक्रेटरी मंजित माथुर जी, वाइस प्रेसिडेंट शिल्पेश चौधरी जी और अरविंद प्रदीप खत्री जी सेक्रेटरी के पद पे हैं, अरविंद वत्स जी हैं और कई और साथी हैं ऐसे बबीता अहलावत जी हैं। इन सभी को मैं बधाई देता हूं कि इन सब लोगों के प्रयासों से और जो उम्मीद थी एक रोहनी कोट के बार के लिए कि वो कानूनी अधिवक्ताओं की आवाज को एम्पावर किया जाएगा, उनकी वॉयस एम्पावर होगी और जस्टिस फेयर मैनर के अंदर डिलीवर होगा जनता के बीच में, मेरे को लगता है कि वो उद्देश्य आज कहीं पूरा होता शुरू हो गया है। और हमारी जानकारी में ये भी आया कि आज से 4 दिन पहले आदरणीय एडवोकेट इंदर सिंह सरोवा साहब जो कि रोहनी कोट बाराचरण के प्रेसिडेंट भी हैं और पहले भी 2 बार एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने कानूनी अधिवक्ता के साथ मिसबिहेव किया गया शाहबाद टेहरी थाने में तो आउटर नॉर्थ थाने की डिस्ट्रिक्ट में और उन्होंने उनके इंटरवेंशन के बाद उस एडवोकेट को छोड़ा गया और उस मिसबिहेव के लिए भी उन्होंने बोला है कि हम फर्दर जो जरूरी होगा सरकारी एजेंसियों को आवाज उठाएंगे। तो उनके इन प्रयासों से साफ साफ कानूनी अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है, इसके लिए हम पुनः उनको धन्यवाद देते हैं और दोबारा इसके साथ कड़ी में जुड़ेंगे, जो भी हमारे सूचना प्राप्त होगी हम अपने समस्त कानूनी अधिवक्ताओं से सभी ऑनरेबल एडवोकेट से पब्लिक प्रोसिक्यूटर से प्रोडक्शन ऑफिस से कोर्ट स्टाफ से सभी क्लर्क से जो कोर्ट से जुड़े हुए हैं सभी टाइपिस्ट भाइयों से जितने वेंडर सबसे दिल्ली वासियों से दिल्ली के हमारे केंद्रीय मंत्री से और भारत के केंद्रीय मंत्री और दिल्ली के जो लॉ मिनिस्टर हैं उनसे सभी लोगों से हम साझा करते रहेंगे और इसी के साथ जय हिंद जय भारत।